सुई किस चीज की? सबको पता है यहाँ पर मिलती है। तो मैं जाके डॉक्टर से कंफर्म कर लूंगी, कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है। छह लोगों ने पिवाने उसकी डेथ हो गई है, उसको बता नहीं सकती मैं आपको भी इतना ज्यादा। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग, और आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि पहले हम लोग जा रहे हैं सलोन, उसके बाद हमें करनी है दिवाली की शॉपिंग, सबके लिए गिफ्ट्स लेने हैं और दिवाली की तैयारी भी करनी है, दिवाली आने वाली है अभी। तो गाइस इनकी मुझे लग रहा है अब तक की सबसे बड़ी पैकिंग आई है सामान की, और इतना सारा सामान लग रहा है मुझे, मैं कहता हूँ देख ही लेते हैं क्या क्या इसके अंदर, क्या क्या वैसे। तो मैंने गाइस बहुत सारा जो ऑर्डर किया है, इसमें कपड़े हैं, चप्पल हैं, बैग्स हैं, मिनी वैस से बहुत सारा सामान मैंने ऑर्डर किया है। और अभी ये खुलेगा ना, अभी दिख रहा है कम है, जब ये खुलेगा ना तब आप देखना इसमें से कितना सामान निकलने वाला है। तो नितिन चीकू अगर चाकू तेरे को लग गया ना सुन, हेलो। तो गाइज अभी हमें जाना है सलोन, वहाँ के लिए लेट हो रहा है, तो ये सारा सामान जो है मैं आपको आके दिखाऊंगी, और इसमें भी बहुत सारा सामान है, ये सब आके दिखाऊंगी आपको। तो गाइस हम लोग पहुंच गए अपने सैलून में और बस अभी आकर बैठे हैं। और बैठते ही ना कल क्या हुआ था, कल मेरे एक इंजेक्शन का जो फ्रिज में रह गया था और मैं लेकर जाना भूल गई घर पर, तो मैंने पायल को बोला पायल लगा दे ही ना तू, आज मैं सुई लेकर आई हूँ ठीक है, तेरे बैग में रख दी थी सुई। सुई किस चीज की बाबू? अच्छा। क्यों नीडल लगनी है ना। अच्छा अच्छा समझ गई। तो गाइस अभी अभी जैसे मैं आई ना, मैंने ड्रॉर खोला, देखा यहाँ पे एक पार्सल पड़ा था, इस पे लिखा हुआ है पायल कृतिका मलिक, और पता नहीं क्या पायल है, हमने तो नहीं मंगवाया, और पेमेंट भी हो रखी है, किसी ने हमारे लिए भेजा है, किसी ने शायद से गिफ्ट भेजा है, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर मिलते हैं, कि मैं ओपन करती हूँ, मैंने ओपन भी नहीं किया। अच्छा वाह, किसी ने हमारे को नजर के लिए भेजा है, कि हमें नजर ना लगे, नजर ना लगे उसका ब्रेसलेट भेजा पायल, देखिए तो सुंदर है, ईमेल आई बोलते हैं ना इसे। हाँ अच्छा लग रहा है ना। चलो थैंक यू सो मच। नाम कोरियर नेम आप जिसने भी भेजे ना, मुझे उसका नाम नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पायल कृतिका मलिक लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। देखो मैंने पहन भी लिया, और अभी हमें नजर से बचने वाली बहुत ज्यादा जरूरत है। तो थैंक यू, आपका गिफ्ट बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा लगा हमें, और बहुत ही यूजफुल भी है, इससे हमें जो है हमें और हमारे बच्चे को नजर नहीं लगेगी। थैंक यू। तो गाइज मैंने भी पहन लिया, बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज ऑफिस आते ही ना सबसे पहला जो मेरा रूटीन रहता है वो यही रहता है कि चाय पीना और दवाई खाना। तो बस अभी अपनी दवाइयाँ निकाल रही हूँ, दवाइयाँ खा रही हूँ, एक ही है एक ही है, दिन में तीन है और क्या बोलते हैं रात को भी तीन है। तो गाइज मैंने ना आज एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था जैसे कि ना मेरे को कैल्शियम की और आयरन की दवाई मिली है, बट कैल्शियम की दवाई पे लिखा है 5 PM और आयरन की दवाई पे लिखा है 11 AM। तो मुझे नहीं, किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप कैल्शियम की दवाई शाम को मत खाओ, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, वो दोपहर सुबह खाओ, बट डॉक्टर ने बोला शाम को खाओ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शाम को खाऊं ना खाऊं। अभी तो मैं खा रही हूं शाम को क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, बाकी मैं डॉक्टर के पास एक बार फिर जाऊंगी अभी 3 दिन बाद, क्योंकि मेरे ड्यूअल टेस्ट मार्कर की रिपोर्ट आनी है, तो मैं जाके डॉक्टर से कन्फर्म कर लूंगी कि कैल्शियम शाम को खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। और गाइज आप लोगों को पता है जितने भी आप लोगों के कमेंट आते हैं ना यूट्यूब पे हमारे ब्लॉग्स में, जितने भी कमेंट आते हैं मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ, सारे पायल और मैं बैठ के सारे कमेंट रीड करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत एक्सपीरियंस हो, मतलब जितनी भी लेडीज हैं उन सबके बेबीज हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिनके बेबी ऑलरेडी होते हैं, तो नॉलेज मिल जाती है काफी। तो आप लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हो कि ये मत करो, गुआवा रात को मत खाओ, तो सारी बातें ना मैं याद रखती हूँ, और याद रखने के साथ साथ पायल को भी शेयर करती हूँ कि ना कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग कमेंट करते हो, बहुत सारी बातें बताते हो। और गाइज एक और बात, गुंडे के दिल को आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स बन रही है, इवन यूट्यूब पे भी हमारा गाना 5 मिलियन प्लस जा चुका है, तो थैंक यू सो मच। और नंबर 1 रिकॉर्ड्स को ना जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे आने वाले गाने हैं जो हमारे नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे आने वाले हैं, कुछ सैड गाने भी आने हैं, कुछ इमोशनल, सैड इमोशनल तो एक ही बात होती है, कुछ डांसिंग सॉन्ग्स भी आने हैं, तो बहुत सारे गाने आने वाले हैं। एक और बात है गाइज, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पता है कल जब मैं अल्ट्रासाउंड पे गई थी ना, और डॉक्टर मुझे हर एक चीज, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो एंटी स्कैन होता है ना उसमें डिटेलिंग दिखाते हैं, नोज दिखा रहे थे, हेड दिखा रहे थे, नेक दिखा रहे थे, हार्ट भी दिखा रहे थे, अलग से हार्ट दिखा रहे थे, हाथ दिखा रहे थे, पैर दिखा रहे थे, तो मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना उस टाइम पे, ऐसे लगता है कि डॉक्टर से सब कुछ पूछ लो, अच्छा ये अच्छा वो अच्छा ये, मतलब मेरे इतने क्वेश्चन थे उनके उनसे
कि ये कैसा है वो ये वो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए मैंने और डॉक्टर ने सबका जवाब दिया, तो बहुत ही ना अच्छी फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग आती है कि ना, मतलब ये फीलिंग दुनिया में कोई और फीलिंग ला नहीं सकता। जितनी मर्जी आपके पास पैसे हो, जितनी मर्जी खुशियां हो, बट जो ये फीलिंग है ना, ये एक अलग ही फीलिंग है। अब ये पायल भी फील करेगी, पायल का भी थोड़े दिन बाद 3rd month लग गया है। पायल का ही बस अभी 1 से 2 हफ्ते बाद ना स्कैन होना है, तो जब पायल का भी स्कैन होगा ना, तो और भी ज़्यादा उसको भी अच्छा लगेगा। और मैंने डॉक्टर को बोला था जब मेरा स्कैन हो रहा था ना, कि मैं अपनी बहन को बुला लूँ, बाहर बैठी है। डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर बोलते आज वाले स्कैन में नहीं बुला सकते, जो आपका 20th week पे होगा ना, उसमें आप अपने हस्बैंड को ही बुला सकते हो, सिस्टर को ही बुला सकते हो। और जो हमारी पायल जी है ना, वो गए हुए हैं अभी रेस्ट करने के लिए, और मैं ऑफिस में अकेली बैठी हुई हूँ यहाँ पर। आज रीत भी नहीं आई है, क्योंकि रीत अभी शिमला गई हुई है, तो रीत शायद से लेट आए। तो गाइस, मैं अभी अभी कमरे से आई हूँ। जब से आई थी मैं लेटी हुई थी, और मैंने अभी अपने ना एक वेब सीरीज देखी है आर्या, उसमें है सुष्मिता सेन, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है वो। उसका 2nd season आ गया, 2nd season का 2nd part देख रही थी मैं, पर मुझे नींद नहीं आई इसलिए मैं उठ के आ गई। मुझे भूख लग रही है और दवाई भी लेनी है। शांति ने अभी तक खाना नहीं भेजा है गाइस, 2:20 हो गए अभी। अभी शांति का कॉल आया, दीदी खाना भेज दूँ, तो मैंने बोला भेज दे, तो अब वो खाना लाएगी फिर हम खाएंगे। तो गाइस, चीकू आज हमसे मिलने आया ऑफिस में, और आप देख सकते हो कितना राजा बाबू लग रहा है। मतलब इसके बाल अगर ये सेट रखे ना, तो इसके बाल बहुत ही ज्यादा। चीकू लेग्स नहीं लगाते कभी भी काउंटर पे बेटा, ये रोजी रोटी होती है ना। अभी जैसे तूने बोला उससे पहले मैंने ऐसे इशारा कर दिया था, क्योंकि बेटा जो मम्मी पापा समझाते उनकी बात कैसे सुनोगे? बहुत अच्छे सुनोगे ना। अगर हमने किसी चीज के लिए आपको नो बोला, तो नो मीन्स नो, ठीक है? गुड। चीकू चीकू अपना 40 लाख का ब्रेसलेट तो दिखा दो। चीकू को मैंने ये वाला ब्रेसलेट दे दिया अपने नजर वाला, क्योंकि बच्चों को जल्दी नजर लगती है, तो मैं कह रही हूँ चीकू को नजर नहीं लगेगी। तो ये जो चीकू ने जो ब्रेसलेट पहन रखा है, ये प्योर डायमंड का है गाइस, 40 लाख का ब्रेसलेट है। और ये 3 लाख का है। और ये जो ब्रेसलेट है ना गाइस, ये आप लोग भी बनवा सकते हो, आपको बिल्कुल आराम से बन जाएगा। किसी भी आपको कोई भी पायल साइट पे मिल जाएगा। तो हमने ये ऑनलाइन मंगवाया था, आप भी मंगवा सकते हो, बहुत सुंदर है और इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। नहीं ना ये चांदी का है ना ये एडी का है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका कलर खराब नहीं होता, शेड खराब नहीं होती। ये हमने किसी साइट से मंगाया था, इंस्टाग्राम साइट से। इसकी कीमत ना गाइस सच में मेरे को बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, 2000 something का है, बट इसकी क्वालिटी पहले अच्छी है ना। 3000 क्या है शायद, 2000-3000 का ही है। भूख लग रही है बहुत तेज की, मुझे भूख लगी, मुझे नींद आ रही है। यार पाल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ना मुझे जब भूख लगती है ना, तो मुझे इतनी खतरनाक भूख लगती है, ऐसे लगता है जैसे बस खाने को मिल जाए, कंट्रोल नहीं होता भूख पे। आ रहा है वो राहुल, आ रहा है, शांति का फोन आ गया मुझे। तो गाइस ये जो चुटकी है ना, ये चुटकी मैंने करवा चौथ पे निकाली थी पहनने के लिए, पर हम भूल गए। और ये चुटकी ना मुझे एक स्पेशल फ्रेंड ने दी थी, शैली ने। शैली अगर तुम ये मैं ये वीडियो देख रही होगी तो कमेंट करना। तो ये शैली ने मुझे शादी पे एक जोड़ी पायल और ये चुटकी दी थी, तो मैंने सोचा आज ये पहन लेती हूँ। इकट्ठे का पहन ली, दो और पहनेगी इसमें भी पहन सकते हैं। अच्छा, तीन भी पहन सकते हैं, तीन चुटकी पहनती हैं। तो पायल ने ना मुझे एक और बात बताई कि गोलू हमारे यहाँ पे ना रिवाज होता है कि हम ना चुटकी पहनते पहनते सुहाग की निशानी होती है। और मैंने बोला, मैंने कहा पायल मम्मा पहनते थे, तो पायल के लिए मम्मी हमेशा पहनती थी ना, पूरे कुनबे परिवार गाँव सब पहनते हैं, तो फिर उनको रात को लगती नहीं है, नई आदत होती है। तो ऐसे पायल को ढूंढ रही हूँ, पायल कहाँ में, पायल पायल पायल। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे ना अभी चीकू के पापा से ना एक सब्सक्राइबर मिलने आया हमारे, तो मैं देख रही हूँ वहाँ पर, और वो ना इतने इमोशनल हो गए इनको देखने के बाद, इतने इमोशनल हो गए ना। तो मतलब कभी कभी ऐसा फीलिंग आती है कि आप लोग कितना प्यार करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। देखो वहाँ पे चीकू के पापा से मिले, बट यहाँ पर अब आ गए तो हमें इससे मुझे ये बहुत पड़ता है, तो मुझे यहाँ से बहुत अच्छा है। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भैया आप इनके ब्लॉग में नहीं दिखते, क्योंकि ये मेरे साथ ही नहीं रहती, ये सुबह आ जाती है यहाँ, जब ये सुबह उठती हैं तो मैं जिम में होता हूँ, तो इसलिए मैं अपना अलग ब्लॉग बनाता हूँ, और इनको तो पूरा लेता हूँ अपने ब्लॉग में। अच्छा खाना खाओगे आप? हमारा खाना है दिल्ली से। तो गाइस खाना वाना हो गया, खाना आया था 4 लोगों का, खाया है 2-3-4-5-6 लोगों ने, और बहुत ही टेस्टी खाना आया था, पालक पनीर लस्सी रोटी चटनी। तो बस खाना हो गया, अब दवाई ले लेती हूँ, दवाई मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई पहले से। और गाइस हमने बहुत सारी रील्स बनाई हैं अभी पूरी फैमिली ने मिलके, यहाँ पे यही गाना है, सेम गाना जो चला था अभी, इसी पे बनाई है। तो गाइस आज हमारे सलून में बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और किसका हो रहा है मैं मिलवा देती हूँ सबसे पहले। तो परम का जो बेटा है उसका बर्थडे है, तो इसलिए वो यहाँ पे आया उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। आपका नाम बताओ? हैरी। हाँ हैरी।
हैरी। तो गाइस सब लोग हैरी को ज़रूर विश करना कमेंट्स में, मैं कल के कमेंट्स पढ़ूंगी। तो केक काटने की तैयारी कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा केक बनवाया आप फोटो वाला। बर्थडे बॉय को आप पिना रहे हो तो सीधा पिनाना सीधा बेटा। चीकू बर्थडे बॉय को पिना रहे ऐसे पिनो। पहले फ्लो करो फ्लो करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हमेशा ऑफिस में बैठते तो सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा लाइट लग रही है, यहाँ पे तो हम सो भी सकते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो गाइस खाना हो गया डन और ना लस्सी पीने के बाद इतनी नींद जैसा आ रहा है, ऐसे लग रहा है नींद आ रही है। और ना पेट वाला जो इंजेक्शन था वो भी लग गया है, वो भी सही से लग गया है। दवाइयाँ भी मैंने ले ली है और अपनी आयरन की गोली थी वो भी ले ली है। तूने दवाई? मैंने अभी खाई दवाई और आज चीकू के पापा ने इंजेक्शन लगाया गोलू को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, निशान भी नहीं पड़ा। कल ना नील पड़ गया था थोड़ा सा, स्किन बड़ी सेंसिटिव है तो जहाँ पे इंजेक्शन लगा था ना वहाँ पे नील पड़ गया था। देखो मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, ब्लड टेस्ट का भी निशान है ना वो भी 2 दिन तक रहता है, बहुत सेंसिटिव है। तो गाइज अभी मैं सोने गई थी तो सो नहीं पाई बिकॉज ऑफ मैंने देखा कि अभी संभावना सेठ जी जो उनका एक व्लॉग आया हुआ था जिसमें उनका जो पेट था कोको जी जिसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और मतलब अपने बच्चों की तरह वो अपने सारे डॉग्स मतलब जितने भी डॉग्स हैं उनके उनको बहुत ही अच्छी तरह पैम्पर करती हैं और अपने बच्चों की तरह उनको रखती हैं। तो कोको को मैंने देखा, कोको की डेथ हो गई है तो मुझे वो पूरा व्लॉग देख के सीरियसली इतना रोना आया, मैं अंदर बैठ के भी रोई। जैसे गोलू सो रही, मैंने गोलू को उठाया, मैंने कहा गोलू मैंने अभी संभावना सेठ जी का व्लॉग देखा, उनका जो कोको था ना उसकी डेथ हो गई है, उसको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो गोलू ने भी अभी जस्ट व्लॉग देखा। तो गाइस 20 साल कोई अपने साथ रह के बच्चों की तरह फैमिली की तरह और वो एकदम से ऐसे छोड़ के जाता है ना, तो ये जो टाइम होता है ना ये टाइम बहुत क्रूशल होता है उस फैमिली के लिए जिसके लिए वो मतलब सब कुछ होता है। वो बच्चे की तरह उन्होंने बताया कैसे वो लेके आए थे उसको अपने घर में, कैसे उसे रखा हुआ था और पूरा हम तो देखते ही हैं संभावना जी का हम ब्लॉग तो देखते ही हैं। वो अपने पैट्स को जो है अगर कहीं भी जाती हैं साथ लेके जाती हैं, लेके जाती हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, हर चीज़ करते हैं। बट देखो बंदा बोलना बहुत आसान है पर जिसके घर में होता है ना उसके ऊपर बीतती है। सच में ये टाइम उनके लिए बहुत क्रूशल है और मैं सिर्फ इतना कहूँगी भगवान कोको की आत्मा को शांति दे और संभावना को शक्ति दे कि वो इस दुख से बाहर आ पाए। तो गाइज अभी बजने वाले 5, हम लोग चलते हैं घर पे क्योंकि घर पे चीकू के पापा नितिन और चीकू नहीं है घर पे, शांति अकेली है और शाम का जो खाना भी है वो जाके हमें बनवाना है। मतलब वो अपने आप से नहीं बना पाती है खाना, हमेशा पूछ के बनाती है क्या बनाना क्या नहीं बनाना भाभी। और मार्केट भी जाना है बिकॉज ऑफ दिवाली के लिए भी शॉपिंग करनी थी क्योंकि हमें भी अपने स्टाफ को दिवाली देनी है इस बार और बाकी लोग आस पड़ोस वालों को भी दिवाली देनी है और हमारी सोसाइटी के गार्ड्स को भी देनी है जैसे पिछले साल दी थी हमने। तो मैंने बोला था नितिन भैया को कि बेस्ट प्राइस का कार्ड ले आना पर वो शायद लाए नहीं है तो आज शायद हम नहीं जाएंगे शॉपिंग के लिए दिवाली की, हम कल जाएंगे। पर मैंने इनको बोला था कि आज हम शॉपिंग पे जाएंगे, मैं और गुलू कुछ ऐसी मैक्सी ड्रेसेस लेके आएंगे ताकि कंफर्टेबल रहे क्योंकि शॉर्ट ड्रेसेस पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता गाइस। इस टाइम ऐसा लगता है कि छोटे छोटे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते, लॉन्ग ड्रेसेस पसंद आती हैं। तो अभी मैं और गुलू जाएंगे मार्केट, 2-3 ड्रेसेस लेंगे लॉन्ग। और गाइस आज काफ़ी टाइम बाद ना मुझे मेरा फेस बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे क्लीन सा लग रहा है, आप भी देखो क्लीन सा लग रहा है बिकॉज मैंने उस दिन वैक्स कराई थी ना, वैक्स के बाद मेरे को इतने ज़्यादा दाने हो गए थे बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने जो वैक्स, मैं कभी फेस पे वैक्स नहीं कराती, मैं अगर इधर कमर गर्दन पे भी कराती ना तो मेरे दाने निकल जाते हैं। मैंने पहली बार वैक्स कराई थी और इसलिए शायद मुझे पिंपल्स हो गए थे। अभी जो पिंपल्स हैं वो ना बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, साफ़ हो गए हैं, इसलिए मेरा फेस जो है बिल्कुल क्लीन लग रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सुबह लिपस्टिक लगाई है और कुछ भी नहीं, हल्का हल्का ब्लशर लगाया है। इस लड़की को मैं इतनी देर से बोल रही हूँ गोलू चल गोलू चल गोलू चल गोलू चल, फ़ोन में घुसी है पर ये लड़की मेरी सुनती नहीं है। गाइस आप ही समझाओ इसे कि मेरी माना करे, मेरी मानेगी तो भले में रहेगी और फ़ायदे में रहेगी, कहते ना मेरी सुनोगे तो फ़ायदे में रहोगे,
इतनी देर से इसको बोल रही चल 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 अब जाके उठिए। तो गाइज निकलते हैं हम यहाँ से, सलोन से निकलते हैं घर के लिए। हाँ तो घर जाने से पहले मैं अपनी शाम की दवाई रख रही हूँ, खाऊंगी पानी तो मेरा इंजेक्शन ले चलूँ घर। मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ ना, मैंने फोन उससे चार्ज लिया बाहर काउंटर वाली लड़की से चार्ज लगाने के लिए, और उस रूम में चार्ज लगा के आ गई हूँ और स्विच ऑन नहीं किया। इंजेक्शन लू अपना घर के लिए, यही लग देती हूँ तो गाइस तो सामने देखो पूरी रोड जाम है, पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, क्योंकि ना आगे जो रोड है ना बन रही है, तो उस रोड बनने की वजह से ये रोड जो है कम चौड़ी है, फिर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। तो गाइस हम लोग मार्केट में आते हैं कि कुछ शॉपिंग करेंगे शॉपिंग करेंगे शॉपिंग करेंगे, पता नहीं क्यों हम आते हैं सोचते हैं तीन चार वन पीस तो ले ही लेंगे, लेकिन पूरी मार्केट घूम लेते हैं। पूरी मार्केट तो नहीं घूमी वैसे, जिस शॉप पे जाना था वहाँ गए, और तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो वन पीस है हमें पसंद आया वो मैंने ले लिया है, और उसको जो है मैं कल पहन। तो गाइस अभी रास्ते में ना हमें शकरकंदी दिख गई थी और शकरकंदी खाने का मन हुआ, तो हमने ले ली शकरकंदी, घर जाके करेंगे इसको बॉईल और खाएंगे। तो गाइस हम लोग घर पहुँच गए हैं और जो वन पीस लिया है वो ऊपर जाके दिखाती हूँ। तो अभी अभी ना शांति का फोन आया था, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या उपाय, मुझे टॉयलेट जाना यार। सच में यार ये चीज ना यार जो प्रेगनेंसी होती है ना, सच में प्रेगनेंसी में इतना फ्रीक्वेंट इतना यूरिन आता है, यूरिन पास करना पड़ता है ना कि बता नहीं सकती मैं आपको भी इतना ज्यादा। मैं ना हमारा मैंने ऐसे सुना है कि हमारा ब्लैंडर गॉल ब्लैडर 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 बढ़ जाता है, पता नहीं इसकी वजह से होता है जो भी बढ़ता है। चलो भाई मेरे को भी जाना है। तो गाइस मैं आपको सुबह जो है सामान जो मैंने मंगाया था मिनी वैसे वो दिखाना भूल गई थी। तो एक ये मैंने हुडी मंगाई है विंटर्स के लिए हम दोनों के लिए सेम कलर, और ये मंगाया है सेम दोनों के लिए वन पीस। इसके साथ हम ब्लैक शूज लेंगे लॉन्ग विदाउट हील, उसके साथ हम वेयर करेंगे ये सर्दियों में क्योंकि विंटर्स अब आने वाली हैं। तो गाइज ये भी दो है और ये वन पीस भी दो है। अब पायल दिखा रही है पिंक वाली ड्रेस। तो गाइज एक ही हमने कॉर्ड सेट मंगाया है, ये भी खुला खुला है, ये भी विंटर्स के लिए मंगाया है खुला खुला। तो गाइज जैसे ये पिंक है ना ऐसे ही ब्लू है, और जैसे ये डार्क वाला जैसे डार्क वाला सेट वन पीस है ना इसमें आई थिंक ये मंगवाया पायल ने। हाँ ये भी कॉर्ड सेट है। तो गाइज ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर, और इसका स्टफ बहुत अच्छा है, इसके साथ सेम ये है मेरे पास। अरे गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी, सच में मिनी वेस्ट का स्टफ बहुत अच्छा है, जितना भी सामान है सब इम्पोर्टेड सामान है, बाहर का सामान है, क्वालिटी वाइज ये कपड़ा कहीं नहीं जाएगा, बहुत अच्छा है। मतलब हम एक सर्दी पहन सकते हैं, दो सर्दी तीन सर्दी कभी खराब नहीं होगा कपड़ा। और उसके साथ ये कुर्ती सेट मंगाई है मैंने, बहुत ही सुंदर मेरे लिए और गोलू के लिए। अच्छा इसमें कुर्ती मंगवाई है, कुर्ती भी मंगाई है देख। तो नाइट सूट भी मंगाया है क्योंकि हमारे वो सारे नाइट सूट खराब हो गए थे, तो ये मेरे लिए सैटिन की है, ये साटन के मंगाया। इस बार हमने एक्सल साइज मंगाया क्योंकि पहले वाले जो है वो बहुत टाइट हो रहे थे। तो गाइज हमारा बहुत ही जबरदस्त गाना आ चुका है जिसमें एक्ट किया है अरमान जी ने और कृतिका ने, बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग है, गाने का नाम है पागल। जिसने अभी तक नहीं देखा है बायो में लिंक है, जाके लिंक पे टैप करके गाना पूरा देखें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको गाना कैसा लगा। सुनो ना ये पर्स देखो, टिफिन वाला होता है ना। हाँ टिफिन छोटा टिफिन, बट ये पर्स है, पर ये पर्स अच्छा लग रहा है ना, इसमें मोबाइल सीधा सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मोबाइल भी आ जाएगा, इसमें खाना भी ले जाया करो, एक आधा फ्रूट डाल के। हाँ आपको पता है एक बेड भर के तो पर्स है। तो तुम लेते तो नहीं, एक भी नहीं लेके घूमते। अब लेंगे ना, अब लेंगे ना, क्या ना गुड्डू सारा सामान सारा हमने बेड में डाला हुआ है, अब जब बेड खोलेंगे सामान, अब तो जो आ गया ना वो पहले यूज कर लेंगे। कैसे लग रहे बैग? अच्छे। तो गाइज मैंने फिलहाल सारा सामान जो है वो इसमें बॉक्स में डाल के रख दिया है क्योंकि अभी वैसे भी जगह नहीं है सामान की, तो और पर्स जो है ना सारे मैंने इसी के अंदर रखे हैं। तो यहाँ पे आ गई है शकरकंदी, और गाइस शकरकंदी खाना बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में, थोड़ी सी हमने इनको भी दी है, आप भी खा लो थोड़ी सी शकरकंदी। आसान कर दिया इन्होंने मेरे ऊपर। नहीं नहीं गुड्डू आप एक्चुअली ज्यादा नहीं खा सकते ना मीठा, इसलिए थोड़ा दिया आपको। मीठा थोड़ी होता है इसमें, इसमें शुगर होता है। होता है? तो चीकू ने जो है नाइट सूट है ना, ये नाइट सूट भी वहीं से आया है, और नई चप्पल और ये स्लीपर्स भी वहीं से आए हैं, और मेरे पैर और चीकू के पैर में ज्यादा फर्क नहीं है इस देख लो। चीकू बोल रहा था तीन चार दिन की बात है। हाँ तीन चार दिन की बात है, मम्मा मेरे को फिट हो जाएगी ऐसे बोल रहा था। और गाइस आज हमने वहां से सिर्फ ये खरीदा था, और इसका स्टफ बहुत प्यारा है, कॉटन स्टफ है। पर ऐसा ना बहुत पहले ना मेरे पास एक प्लाजो था ऐसे ब्लू एंड व्हाइट कलर का, बहुत पहले मैंने ऐसा सेम पैटर्न था, मुझे ऐसे कपड़े पसंद लगते हैं सिंपल सोबर। तो हमारा खाना वाना हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ चीकू को सुलाने क्योंकि उसे सुबह जाना है स्कूल। आपके गाने के बारे में बता दो। अच्छा, मैं भूल गई एक्चुअली क्या गाइस मैंने पुराने ब्लॉग देख रही थी,
तो जब हम पुराने व्लॉग देखते हैं ना तो बहुत हंसी आती है। उस टाइम पे चीकू के व्लॉग देख रही थी। तो बात ये है गाइस, हमारा गाना आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गाने का नाम है पागल। आप जल्दी से जाइए गाना देखिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको उसमें एक्टिंग कैसी लगी हमारी। तो गाइस ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शबा खैर, गुड नाइट।